नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पढ़ली इंडिया पे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं RSSB LDC 2018 की जो फाइनल कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद क्या कट ऑफ रहेगी। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि बोर्ड ने 25 अक्टूबर को एक लिस्ट जारी की थी जिसमें 1.5 गुना विद्यार्थियों को सफल घोषित किया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले जिनका भी उस लिस्ट में नाम आया उनको बहुत बहुत बधाई पढ़ली इंडिया की तरफ से, क्योंकि लगभग 7 लाख स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था और आप उनमें से है जो टॉप 18,000 में आए हैं। तो इसलिए बहुत बहुत बधाई सभी को जिनका भी सिलेक्शन हुआ है। इस वीडियो में अपन क्या बात करने वाले हैं, फाइनल कट ऑफ बताने वाले हैं, कैटेगरी वाइज़ क्या क्या कट ऑफ रहेगी, किस कैटेगरी में कितनी कट ऑफ बढ़ सकती है जो अभी बोर्ड द्वारा कट ऑफ जारी की गई है 1.5 गुना के बाद। इसमें हमने पूरा विश्लेषण किया है और सभी जो डिपार्टमेंट वाइज़ है वो कट ऑफ भी बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारा पिछला कट ऑफ का वीडियो था आपका टाइपिंग होने के बाद मैंने डाला था उस पर आपने बहुत पसंद किया है। आशा करता हूँ इसी प्रकार आप इस वीडियो को भी पसंद करेंगे, तो इसी प्रकार आप इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आए। तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, जिन भी कैंडिडेट्स के कट ऑफ से 10 नंबर प्लस है वो चाहे तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। जैसे जनरल की 215 कट ऑफ गई है, तो जिसके 225 से प्लस है अपने अपने कैटेगरीज में, जिसके भी 10 नंबर से प्लस है वो ये वीडियो चाहे तो स्किप कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि जैसे सचिवालय की कट ऑफ क्या रह सकती है, RPSC की और अधीनस्थ विभाग की, तो मैं अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा आपके लिए, वो वीडियो बेनिफिशियल रहेगा। ये चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं और चाहे तो देख भी सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ जो हमारे विश्लेषण में मैंने यहाँ पर रखा है। पूरा यहाँ पर बताना दोस्तों संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर आपको कुछ फैक्टर्स बता दूंगा कि जो जो हमने कट ऑफ के अंदर रखे हैं, और उसके बाद सीधा कट ऑफ बता दूंगा ताकि आपका भी समय ज़्यादा ख़राब ना हो। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि टोटल जो पोस्ट है वो 12,456 है, जिसमें से नॉन TSP की 11,215 है और TSP एरिया की 1,241 है। तो यहाँ पे मेनली नॉन TSP एरिया का हमने पूरा विश्लेषण किया है, उसी के आधार पर हम कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताएंगे। तो इसमें तीन फैक्टर्स काम करते हैं। सबसे पहले आप कट ऑफ देख लीजिए कैटेगरी वाइज क्या रहा है, यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप देख पा रहे हैं सभी कैटेगरी वाइज कट ऑफ का। उसके बाद डिपेंड करता है कि टाइपिंग मार्क्स किस कैटेगरी में किस बच्चे के कितने आए हैं। तो लगभग जहाँ तक मैंने देखा है 90 प्लस और 85 प्लस तो सभी के आ गए हैं जिसने भी अच्छे से टाइपिंग की प्रैक्टिस की थी। और उसके बाद जो मेन फैक्टर काम करेगा दोस्तों जो फाइनल कट ऑफ के लिए वो है DV, मतलब DV कितने स्टूडेंट करा पा रहे हैं। जैसे मैं आज न्यूज़ पढ़ रहा था उसमें आया था कि लैब असिस्टेंट के 150 स्टूडेंट ने DV करवाया नहीं, मतलब वो एबसेंट थे। तो यहाँ पे तो 18,000 स्टूडेंट है दोस्तों, तो कितने यहाँ पे एबसेंट रहेंगे वो कितने रहेंगे, बहुत बता रहे हैं कि लगभग सभी DV करवाते हैं क्योंकि अभी तक किसी का रिजल्ट नहीं आया है राजस्थान में, क्योंकि बाहर जो भी जॉब करते हैं वो चाहते हैं कि राजस्थान में नौकरी हो। तो ये डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट करवाएंगे, लैब असिस्टेंट में भी 150 ने नहीं करवाया है, तो यहाँ पर 18,000 में कितने नहीं करवाते हैं वो डिपेंड करता है। तो इसका जो कट ऑफ का प्रेडिक्शन लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है इस हिसाब से कि किसी को भी नहीं पता कि कितने बच्चे नहीं करवाएंगे। तो जो LDC से बड़ी जॉब है वो वाले स्टूडेंट नहीं करवाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि जो 37,000 को आप सभी को पता होगा पास किया गया था 3 गुना टाइपिंग में, उसमें से लगभग 30,000 ने ही टाइपिंग दी है, तो 7,000 तो यहीं पे कम हो गए। 18,000 में कितने कम होंगे इसका आइडिया कोई भी नहीं लगा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये प्रेडिक्शन लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि कितने एबसेंट रहेंगे DV के अंदर। और जैसे आप समझ पा रहे होंगे आपके जैसे 216 नंबर है, तो 216 से कितने ज़्यादा स्टूडेंट है या 216 नंबर पर कितने स्टूडेंट है ये भी प्रेडिक्शन लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सभी अपना अपना प्रेडिक्शन लगा रहे हैं और डिटेल्स को कलेक्ट करके अपना अपना डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो इसी हिसाब से हमने भी कोशिश की है। यहाँ पे देखो दोस्तों, मैंने कैटेगरी वाइज जो पोस्ट हैं वो यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश की है। तो जनरल मेल के अंदर 3,600 पोस्ट हैं, यहाँ पे सामान्य की 1,050 है। इसी तरह से आप OBC मेल, फीमेल, SC ST की देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये है, ये मैंने उसी हिसाब से कैटेगराइज किया है जो आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में था, उसके बाद पोस्ट बढ़ाई गई है तो उसी हिसाब से परसेंटेज, जैसे जनरल को 50% और उसमें से 30% महिला को मिलता है सभी कैटेगरीज में, उसी हिसाब से कैटेगराइज किया है, तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अपन मान लेते हैं कि लगभग 3,000 स्टूडेंट DV नहीं करवाएंगे या उनका रिजेक्ट हो जाएगा किसी भी रीज़न से, तो लगभग 3,000 स्टूडेंट का DV में एबसेंट रहेंगे या फिर वो नहीं करवाएंगे या किसी रीज़न से उनका इनवैलिड हो जाएगा। हो सकता है दोस्तों इससे ज़्यादा भी हो, उससे कम भी हो, ये केवल एक प्रेडिक्शन है। तो यहाँ पर देखिए अब बचते हैं अपने पास 14,000 से 14,500 स्टूडेंट और सेलेक्ट करना है 11,255। तो यहाँ पर जो कट ऑफ है वो मैं आपको बताता हूँ सीधे ही। अब बहुत सारे फैक्टर्स हमने यहाँ पे मेंशन किए, वो बताना है बताने से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये केवल मात्र एक अनुमान है कि कट ऑफ कितनी रह सकती है, क्योंकि पिछली बार जो हमने वीडियो बनाया था उसमें जनरल और OBC कट ऑफ एकदम एग्जैक्ट मिल गई थी और उसी हिसाब से कट ऑफ आई थी 1.5 गुना की। तो सोचा इस बार वीडियो बना देते हैं, क्योंकि दोस्तों पिछली बार हमारे पास डाटा फिक्स था कि 30,000 ने टाइपिंग दी है,
और यहाँ पे फिक्स नहीं है कि 17 17,500 में से कितने बच्चे डीवी करवाएंगे, कितने बच्चे डीवी करवाएंगे ये फिक्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे अनुमान थोड़ा कठिन हो जाता है। तो यहाँ पे हो सकता है ये मिल भी सकता है या इससे 1 2 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है कट ऑफ। तो मैं अब अपनी कट ऑफ बता देता हूँ यहाँ पे। तो जनरल मेल की जो कट ऑफ है वो 215 गई है, आप सभी को पता होगा। तो वो जो बढ़ सकती है वो 4 से 5 नंबर बढ़ सकती है। तो यहाँ पे 219 या 220 नंबर जिसके ज़्यादा है वो अपने आप को सेव कर सकता है कि उसका सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा। और इस हिसाब से फीमेल में 202 के लगभग गई है कट ऑफ। तो जिसके भी 205 से ज़्यादा है फीमेल के अंदर जनरल में, तो वो अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं। इसी के साथ अपन उसके बाद बात करते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी के अंदर जो कट ऑफ गई है वो जनरल मेल के अंदर जो है 207 गई है। इसी के साथ अगर जिसके भी 212 से 213 नंबर है तो अपने आप को सेफ महसूस कर सकता है। इससे ज़्यादा मतलब 212 से प्लस जिसके भी है वो अपने आप को सेफ महसूस कर सकता है। अब दोस्तों अपन बात करते हैं ओबीसी फीमेल की। तो आप सभी को पता होगा जो कट ऑफ गई है 192 के लगभग गई है। तो यहाँ पर जिस भी कैंडिडेट के 195 या 196 से प्लस नंबर है वो अपने आप को यहाँ पे सेफ महसूस कर सकता है, मतलब उसका फाइनल लिस्ट में आ सकता है। अब अपन बात करते हैं एससी मेल में। तो यहाँ पे 184 गई है कट ऑफ। तो यहाँ पे जो कट ऑफ बढ़ सकती है वो 2 नंबर बढ़ सकती है, 186 या 7 जिसके भी ज़्यादा है वो अपने आप को सेफ महसूस कर सकता है। और उसके साथ फीमेल में अगर बात करें दोस्तों तो 125 नंबर गई है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगा एससी फीमेल में उन सभी का नंबर यहाँ पे आ सकता है। इसी के बाद अपन बात करते हैं एसटी मेल में। तो उनकी जो कट ऑफ गई है 170 नंबर गई है। तो यहाँ पे जिनके भी 172 या 173 से प्लस नंबर आते हैं उन सभी का फाइनल लिस्ट में नंबर आ सकता है। और उसी के साथ फीमेल में आपको बताना चाहता हूँ 118 नंबर गई है। तो इसमें भी वही जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएगा उन सभी का नंबर आ सकता है यहाँ पे, या फिर 119 प्लस आप मान लीजिए तो उन सभी का नंबर यहाँ पे आ जाएगा। और एमबीसी के अंदर अगर अपन बात करें तो दोस्तों आप सभी को पता होगा मेल के अंदर जो 186 के आसपास कट ऑफ गई है, तो इसमें जिसके भी 2 नंबर या 3 नंबर प्लस होंगे उनका फाइनल लिस्ट में नंबर आ जाएगा। मतलब 188 से 189 प्लस नंबर होंगे तो उन सभी का नंबर यहाँ पे फाइनल लिस्ट में आ सकता है। उसके बाद अपन बात करते हैं फीमेल की। तो इसमें 138 गई है, तो 139 या 40 से प्लस जिसके भी नंबर होंगे उसका फाइनल लिस्ट में नंबर आ सकता है। और इनके अलावा जो भी अदर कैटेगरीज है उनका आप इस हिसाब से देख सकते हैं। और जो टीएसपी एरिया है अगर उनके आप कमेंट कर दें तो मैं कोशिश करूँगा कि उनकी भी अलग से कट ऑफ बना दो। वैसे उनके भी 3 से 4 नंबर आप कैटेगरीज में बढ़ा लीजिएगा जनरल में, और एससी में 2 नंबर बढ़ा लीजिएगा, एसटी में भी 2 नंबर बढ़ा लीजिएगा, उतनी ही कट ऑफ जा सकती है। या फिर जो भी डीवी करवाता है उनका नंबर फिर आ ही जाएगा वेटिंग वगैरह में। तो ये पूरा डिपेंड करता है डीवी के ऊपर। और दोस्तों वीडियो आप इसको सभी आपके ग्रुप में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे अपडेट पाने के लिए, और लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियो आगे लाता रहूँ। धन्यवाद।